लोकसभा चुनाव के सातवें व अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। इस चरण के लिए प्रचार कल हो जाएगा समाप्त। अंतिम चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में 19 मई को डाले जाएंगे वोट। पश्चिमी बंगाल में लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार निर्धारित समय से पूर्व आज रात हो जाएगा समाप्त। कोलकाता में हुई हिंसा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का पहली बार प्रयोग करते हुए प्रचार के समय में की कटौती। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिमी बंगाल में प्रचार पर बैन लगाने के फैसले पर सियासत तेज। टीएमसी और कांग्रेस के बाद बसपा ने आयोग के इस फैसले का किया विरोध। आखिरी दौर के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोसी, चंदौली और मिर्जापुर में किया विजय संकल्प रैलियों को संबोधित। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और बिहार के पटना में किया चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। मुठभेड़ में 1 सुरक्षाकर्मी शहीद और 2 अन्य हुए घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के कंप्यूटर नेटवर्क को विदेशी कंपनियों से सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों पर विदेशी दूरसंचार फर्मों का इस्तेमाल करने पर लगाया प्रतिबंध। चीन ने ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया के सभी भाषाई संस्करणों पर लगाया प्रतिबंध। चीन ने अपने यहाँ गूगल, फेसबुक और द न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑनलाइन संस्करण पर लगा रखा है प्रतिबंध। 9 साल की लड़की कमली मूर्ति पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 2020 ऑस्कर के लिए हुई नॉमिनेट। कमली मूर्ति और उनकी माँ के जीवन संघर्ष पर बनाई गई है ये डॉक्यूमेंट्री। अब खबरें खेल जगत से। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने कपिल देव के 36 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। इमाम इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में नाबाद अधिक पारी खेलने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने।